प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। इस तरह सोमनाथ मंदिर का प्राचीन वैभव एक बार फिर से जीवंत हो उठा है। भारत के इतिहास में सोमनाथ का मंदिर अपने वैभव के कारण हमेशा से ही विदेशी आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। लेकिन इस मंदिर के गौरव को ध्वस्त करने की जितनी बड़ी भूमिका महमूद गजनवी ने निभाई है उतनी किसी और ने नहीं, और इसी के कारण उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। महमूद गजनवी ने धन की चाह में 17 बार भारत पर हमले किए। 1024 ईस्वी में उसने लगभग 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। आक्रमण में गजनवी को सोने के रूप में अकल्पनीय धन संपदा प्राप्त हुई। जितना माल ऊंट घोड़ों पर वह लाद सकता था लाद कर वह गजनी की तरफ चल पड़ा। उसने मुख्य मंदिर सहित कई मंदिर तुड़वा डाले और शिवलिंग को तुड़वा कर खंड खंड करवा दिया। इतना ही नहीं, करीब 25,000 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया। हजारों स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां बाद में गुलामों के बाजार में उनकी नीलामी की गई। भयंकर लूटपाट करने के बाद गजनवी कच्छ के रण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब इस कत्ले आम की खबर हिंदू शासकों को सुनाई पड़ी तो उनका गुस्सा भड़क उठा। ऐसे में थार के राजपूत शासक भोज ने लौटते हुए गजनवी को सबक सिखाने का निश्चय किया, लेकिन गजनवी को जब इस बात की खबर लगी तो रास्ता बदलकर कच्छ के रण से सीधा सिंध की ओर निकल गया। सिंध के जाटों को भी इस रक्तपात की जानकारी मिल चुकी थी और साथ ही पता लग चुका था कि महमूद गजनवी सिंध के रास्ते से गजनी वापस लौट रहा है। ऐसे में सिंध के जाट शासक भीमसेन जाट ने गजनवी की सेनाओं को घेराबंदी कर जबरदस्त हमले किए और गुलाम बनाए गए बहुत से स्त्री बच्चों को छुड़वा लिए। भागती और जान बचाती गजनवी की सेनाओं का दूर से पीछा किया गया। कईयों को पकड़कर मौत के घाट भी उतार दिए गए। जाटों के भीषण आक्रमण ने गजनवी की शक्ति को ऐसी क्षति पहुंचाई कि जाटों पर आक्रमण करने के लिए गजनवी और उसकी बची कुची अधमरी सेना 3 साल तक हिम्मत नहीं जुटा पाई।